I would like to introduce Sri Iyerji here, who is CEO of SriGurus.com. He's an author, inventor, innovator, and out-of-box thinker. Sri Iyerji, from being an engineer, he turned into an inventor to now an entrepreneur. He has 37 patents. So those who have filed patents, they would understand how difficult it is to have 37 patents. And I'm sure he is driving it in a big way in the hardware and software to track fintech, storage, and encryption technologies, which is to the core, you know, driving the frontiers of technology in India. So we are highly grateful that Sri Iyerji is here, and I would invite him to speak on the topic Indian identity and international perspective. धन्यवाद. मैं जहां तक हो सके हिंदी में बात करूंगा, लेकिन जब जब शायद अंग्रेजी आ जाएगी तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ. Everyone on the dais and respected audience. तो मेरी आधी जिंदगी भारत में और आधी जिंदगी यूएस में चली है. तो जब हम यहाँ पैदा होते हैं तो हमारे अतराफ सनातनीता होती है, हम ये महसूस नहीं करते हैं. जब हम बाहर जाते हैं तभी आपको ये महसूस होता है कि आज कुछ बेल्स नहीं बजे कहीं या आजान नहीं चला, तो तभी आपको महसूस होता है कि कुछ तो अलग है, क्या हो रहा है. लेकिन जो भी मैंने सीखा है यहाँ पर, इसको मैंने शायद 99% यूज किया है अपनी जिंदगी में. तो मैं छोटे छोटे मिसाल आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और अगर समय है तो डॉक्टर स्वामी जी के दो चीज जो उन्होंने बताए थे उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा भी देना चाहता हूँ. एक गांधी जी का एक वो असासिनेशन और बालाजी मंदिर. तो जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि तुम भगवत गीता में पूरा ना पढ़ो, लेकिन सातवां अध्याय जरूर पढ़ो. क्यों? क्योंकि ये सप्तमोध्याय ज्ञान विज्ञान योग, अगर ये पढ़ोगे तो जरूर डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे. ये हमको एक एनकरेजमेंट की तरह से कही जाती थी. तो मेरे जैसे 5-6 लोग बच्चे जाकर हमने सीखा 7, और उसके बाद 11 और 13वां चैप्टर भी मैंने सीखा. मेरे जिंदगी में तो ये सच निकला मैं इंजीनियर बन सका. और ये एक भगवत गीता जो ऐसी है, इसकी आपको लाइफ के हर क्वेश्चन के उत्तर वहीं पर मिल जाते हैं आपको, लेकिन हमको सिर्फ पढ़ना है भगवत गीता को. तो उसके बाद जब मैं 15 साल का शायद था तो पिताजी ने कहा कि देखो तुम तैत्तरीय उपनिषद पढ़ो. तैत्तरीय उपनिषद क्यों? जब 15 साल का था ना तो बात वापस पूछते थे डैडी को, क्या क्यों पढ़ो. मैं नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर एक शिक्षा वाली है. ये शिक्षा वाली ये होती है कि गुरुकुल से स्टूडेंट बाहर जाने वाला है तो गुरु उसको आदेश दे रहे हैं, उसको उपदेश दे रहे हैं. तो उसमें अब तक आज तक मुझे एक लफ्ज याद है, सत्यम वद धर्मं चर, यानी हमेशा सच बोलो और धर्म के रास्ते पर चलो. ये मैंने आज तक निभाया है. तो ये चीज जो है ना, ये थैंक यू, ये चीज देखिए ना, हमको वो शायद खून में चलती है, हमारी ब्लड में चलती है. ये सनातन धर्म का एक खूबी है. और हमेशा हम जब पढ़ते जाते हैं वो तैत्तरीय उपनिषद में, तो उसमें एक और लाइन आता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव. तो सबसे पहले महत्वपूर्ण आपके लिए माँ, माँ को आप भगवान की तरह समझ, उसके बाद पिताजी, उसके बाद गुरु, उसके बाद अतिथि. तो हम ये तो शायद हम लोग याद नहीं रखते, लेकिन रहमान का गाया हुआ त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, एटलीस्ट उस तरह से तो हमको याद तो आती है. यानी हमें जो भी हो, जिस कौन सी भी गाना आप गाए, जो एक बेसिक जो है फंडामेंटल सनातन धर्म की, वो हमेशा हमारे साथ रहती है, रहती थी, रहती है और रहेगी, ये मेरा मानना है.
क्योंकि मैं कितने भी चीज देखता हूँ जिंदगी में, ये हमेशा ये सामने आकर खड़ा होता है। मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, स्वस्तिक, स्वस्तिक का जो जो उसका जो स्ट्रक्चर जो है, इसके बारे में काफी कॉन्ट्रोवर्सी होती है, इसलिए कि माना जाता है हिटलर ने स्वस्तिक को लेकर थोड़ा सा बदलाव किया और वो नाज़ीज़्म के साथ जुड़ा जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये गलत है। स्वस्तिक अलग है और वो जो हुक एंड क्रूज जो हिटलर यूज करता था वो अलग है, लेकिन आम जनता ये हमेशा समझती है कि जो भी स्वस्तिक को पूछता है वो हिटलर जैसा है ना, ये नाज़ी वाला है, रेसिस्ट वाला। तो ये एक बार क्या हुआ था आपको शायद पता है, 2 महीने पहले ट्रकर्स की एक बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी कनाडा में, सब ट्रक्स रुक गए थे और ऑटावा में जो पार्लियामेंट थे उसके सामने जाकर रुका दिया उन्होंने, सौ ट्रक्स रुक गए थे। तो वहां पर प्रोटेस्ट हो रही थी 10 दिन 15 दिन हो रही थी। तो वहां पर कोई एक बंदा एक हिटलर का फ्लैग खड़ाया और उसने कहा कि देखो अगर ये ट्रूडो हमारी बात नहीं मान रहा है तो ये बिल्कुल हिटलर के जैसा बर्ताव कर रहा है, लेकिन न्यूज इसको किसी और तरह से मोड़ दिया। और वहां पर एक सरदार है, उसका नाम है जसमीत सिंह या समथिंग लाइक दैट, तो एनडीपी पार्टी के वो प्रेसिडेंट है पार्टी के प्रेसिडेंट है वो। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्वस्तिक के बारे में कह रहे हैं ये बहुत बुरा है, ये बहुत गलत चीज है, वगैरह 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 वगैरह। तो मैंने थोड़ा सा एक चौंक गया, मैं अरे ये क्यों इस तरह बात कर रहा है, ये तो सरदार है, सरदार को तो ये तो जानना चाहिए कि स्वस्तिक एक हिंदू सिंबल है जो सिखिज्म में भी है, उनके ग्रंथों में भी स्वस्तिक है, तो फिर ये क्यों ऐसा बोल रहा है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो तब मुझे पता चला ये जो सिंबल किस तरह से आया। तो अगर हम रात में हम अगर ऊपर देखते हैं आसमान को तो आपको सप्तऋषि मंडल दिखाई देता है, 7 नक्षत्र। ये जो 7 नक्षत्र जो है, ये अगर आप ध्रुव नक्षत्र को बीच का सेंटर मानेंगे और आप साल में 4 बार देखेंगे तो एक बार ऐसा होगा, एक बार ऐसा होगा, एक बार ऐसा होगा और एक बार ऐसा होगा, तो इनको जोड़ते हैं तो उसका सिंबल है स्वस्तिक। स्वस्तिक संस्कृत का एक शब्द है जो 2 शब्दों का संधि है, सु और अस्ति, यानी कि गुड लाइफ या हैप्पीनेस और प्रॉस्परस लाइफ। तो ये दैट वॉज द मीनिंग ऑफ दिस। तो मैंने इसको जब मैंने एक्सपेंड किया था, उसका एक वीडियो डाला था पीग्रूस में, तो कैनेडियंस काफी लोग ये अप्रिशिएट किए कि हमें अभी पता चला कि, क्योंकि सब लोग मंदिर जाते थे, कैनेडा में काफी मंदिरें हैं और मंदिर में तो हम स्वस्तिक हमेशा उपयोग करते हैं, तो इसको एक ये एक्सप्लेनेशन जो थी ये बहुत काम आई। तो बहुत लोगों को आप समझ हो गया है कि स्वस्तिक अलग है और नाज़ीज़्म का जो सिंबल है हुक एंड क्रूज वो अलग है। तो ये सब मुझे, अगर मैं छोटेपन में ये सब जो सनातन धर्म के या भगवत गीता ये सब पढ़ा ना होता तो शायद मुझे ये महसूस नहीं होता। पीगुरुस के जरिए मैंने इतना सीखा है, विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर स्वामी आते थे हमारे पास और कई लोग ऐसे स्पेशलिस्ट आते हैं, तो मुझे बहुत ज्ञान मिलती है कि हमारा जो सनातन धर्म है ये कितना रिच है, इसके अंदर इतनी सुगुण है। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको, जो कि डॉक्टर स्वामी कह रहे थे कि बालाजी मंदिर का, तो किसी को ये पता नहीं था कि बालाजी मंदिर कब बना। वहां पर वो जो तिरुमला ऊपर जो उनका जो बड़ा जो मूर्ति है वो कब बना था, तो 1802 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कब्जे में ली, 1802। तो उन्होंने कमीशन किया किसी से कि मुझे जानना चाहिए इसका चरित्र क्या है। तो तब एक किताब लिखा गया जिसका नाम था सवाल ए जवाब, नाम तो हिंदी है लेकिन वो लिखी गई है तेलुगु में। तो वहां पर जाकर देखें पीछे जा रहे हैं टाइम में कब ये मंदिर बना, तो जाते 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 उसमें लिखा गया है कि 3102 में जब महाभारत खत्म हुआ, कलि शुरू हुआ, तो उसके बाद पांडव के कौन थे, परीक्षित थे, परीक्षित राज किया धर्मराज के बाद, क्योंकि अभिमन्यु तो जा चुके थे, तो परीक्षित के बाद जनमेजय ने वो यहाँ आकर तिरुमला में आकर उस मंदिर की सफाई की और उसको ठीक किया ताकि यात्री
नीचे से आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू तिरुपति, वो तो तिरुमला है, ऊपर जाना पड़ता है आपको, सेवन माउंटेन्स सेवन हिल्स का है. तो वो जो रास्ता है उन्होंने किया था जन्मेजय, तो वहां से ये आ रही है. तो अगर आप जाकर देखते हैं तो विष्णु जी जहाँ वहां पर प्रस्तुत होते हैं तो उनका टाइम कब था पता नहीं, इतनी पुरानी है वो. तो अगर हम अगर आते आते देखते हैं तो पहले पांडव थे, उनके वंश वाले 2500 साल कुछ उसकी परामर्श कर रहे थे. उसके बाद आए चोड़ास, चालुक्यास, पांड्यास वगैरह वगैरह वगैरह. तो आकर अब 1802 में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लिए थे. उसके बाद एक छोटी सी एक मठ थी हाथीराम मठ, उसके हाथ सौंपा गया इसका. तो जब ये हाथीराम मठ ट्रस्टी थे तो 1934 में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे तब उन्होंने उनसे ले लिया था. तो अब एक लॉजिकल बात बनती है, अगर ये गवर्नमेंट वापस देती है तो पहला कैंडिडेट जो होगा शायद हाथीराम मठ हो सकता है. तो अब क्या हुआ, जब डॉक्टर साहब ने ये फाइल किया था कोर्ट केस, तो गवर्नमेंट सोचा कि अगर मैं हाथीराम मठ के जो अभी करंट प्रेसिडेंट है इनको मैं दरखास्त कर दूं जॉब से निकाल दूं, तो कोर्ट में एक बात कर सकते हैं कि देखिए एक ही जो हम ट्रेस कर रहे हैं वो हाथीराम मठ है, उसका भी वो करप्शन में वो अंदर जा चुका है. तो उन्होंने डिसमिस करवाया, दैट मैन वाज डिसमिस्ड एंड एन आईएएस ऑफिसर वाज पुट देयर. हाथीराम मठ को फोर्सिबली टेक ओवर किया गया. तब हमने ये आर्टिकल लिखा था जो मैं कह रहा हूँ, जाकर वापिस जाते देखे. तो इस आर्टिकल के हिसाब से और उसके बाद भी जो सवाल जवाब किताब जो है अभी भी है प्रस्तुत है, लोग उसको उसका एविडेंस प्रेजेंट किया गया और हाईकोर्ट में इस एविडेंस के जरिए प्रूव किया गया कि ये हाथीराम मठ को ही जाना चाहिए और इनका जो ऑर्डर था गवर्नमेंट ऑर्डर था ये गलत था. अभी वापस हाथीराम मठ की जो प्रेसिडेंट है उनको रीइंस्टेट तो हुआ है, लेकिन कंट्रोल अभी भी टीटीडी के हाथ में है. ये देखना चाहिए कि कब ये होगा, यानी एक्चुअल कंट्रोल. तो जिस तरह से डॉक्टर स्वामी जी कह रहे हैं कि इसका एक यूनिफाइड अप्रोच चाहिए, 400,000 मंदिरें हैं सबके लिए हमको एक तरह की एक यूनिफाइड अप्रोच चाहिए जिससे कि हम दे सकते हैं कि जो भी मंदिर हमारे हाथ कंट्रोल आएगा तो उसको हम इसी तरह से मैनेज करेंगे. और मेरा ये मानना है डॉक्टर साहब कि शायद आपके हाथ से गिन सकते हैं कितने प्रॉफिटेबल मंदिरा है, 10 शायद, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है. तो उसको अगर हम ठीक कर देंगे तो बाकी रिमेनिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ऐसा मेरा मानना है. तो जो डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था, तो मैं लकी था, गांधी जी के आखिरी पर्सनल सेक्रेटरी उनका नाम था कल्याणम, इनसे मेरी इंटरव्यू हुई और आज भी आप YouTube में जाकर देख सकते हैं उनके 3-part इंटरव्यू है उनके साथ. वो आप लास्ट ईयर पिछले साल गुजर गए थे, 99 ईयर्स और 98 ईयर्स जब मैं उनसे इंटरव्यू किया था तो उनके 95 ईयर्स की उम्र थी. तो उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया था क्या हुआ असोसिएशन के दिन. वो गांधी जी के पीछे थे टू द राइट, बुलेट आई लेफ्ट से. सो ही सेड अगर मैं लेफ्ट में होता तो मैं नहीं बच पाता. जब उन्होंने देखा कि गांधी जी गिर गए थे तो उन्होंने फौरन वहां से निकल के पटेल को खबर करने के लिए चले गए थे. तो उन्होंने कहा जब मैं जाकर उनको खबर करके वापस आया तब तक सब हो चुका था. तो ही वॉज वन ऑफ दोस पीपल हु कुड हैव टोल्ड अस कि क्या असली में हुआ. तो फिर मैंने पूछा कि उन्होंने हे राम कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ गिर गए थे. तो फिर आपको कितने गोलियां सुनाई दी, तो उन्हें मुझे वो हलबली में कुछ सुनाई नहीं दिया. बट एक दिलचस्प चीज जो हुआ था उसके 7 दिन पहले, यानी 23 तारीख के उसके आसपास एक बम फटी थी. आप लोगों को शायद याद है ये वहां कंपाउंड में जब बम फटी थी उस दिन शाम को पटेल जी घर आए महात्मा गांधी जी के साथ बात करने के लिए. तो उन्होंने कहा देखिए अब आपकी सिक्योरिटी थोड़ी सी हमको टाइटन करनी पड़ेगी और हमको जो भी आपकी प्रार्थना को लिए आ रहा है, प्रेयर के लिए आ रहा है, उनकी थैलियों की सर्च करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा. तो अड़ गए गांधी जी, बोले नहीं किसी की सर्च नहीं होगी, किसी की उन्होंने करने नहीं दिया.
तो अब ये बैक एंड फोर्थ चल रही है, 2 घंटा विवाद वाद विवाद चल रहा है। तो बाद में गांधी जी बोले, देखो सरदार, तुम वो पटेल नहीं रहे जिसको मैं जानता था। वो ये इनका उनका एक लास्ट लाइन था, पार्टिंग शॉट। तो पटेल जी भी थोड़ा गुस्से में थे उस दिन, तो बाहर निकल कर कार की तरफ जा रहे थे, तो साथ साथ कल्याणम जी भी जा रहे थे। तो उनके he was having steam coming from his ears because he knew there was a problem. तो कह रहे बुड्ढा पागल है, that was what he said. और उसके बाद 7 दिन के बाद exactly the same reason why वो हो गया था. If they had searched the bag, शायद ये नहीं होता. Anyway, क्योंकि ये इसलिए important है कि उस दिन 2 दिन के बाद हरिजन में एक article छपी थी जो डॉक्टर स्वामी ने भी जिक्र किया था कि कांग्रेस को डिसॉल्व करके 2 पार्टियां बनाई जाए। और ये 2 पार्टीज, क्योंकि अब जब 1948 में लेजिस्लेटिव काउंसिल मिल रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन की रचना हो रही थी, तो गांधी जी वाज थिंकिंग अहेड, 2 साल में हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो जाएगा, उसके बाद डेमोक्रेसी आ जाएगी, तो हमको 2 पार्टी सिस्टम चाहिए। तो देखिए उसकी टाइमिंग कितनी करेक्ट एग्जैक्ट थी। तो ये इसमें कुछ तो है सर जी, कुछ तो है। यू हैव टू रियली फाइंड आउट व्हाट द बॉटम ऑफ इट, कि द फैक्ट्स आर रियली रियली कंपेलिंग। ओके, तो ये सब चीज मैं यूएस में होते हुए भी मेरी जो बंधन है वो हमेशा भारत के साथ रही है और ये कभी जाता नहीं है। कोई भी हो, आपको आपका धर्म सनातनी है, आपका मजहब कुछ और होगा लेकिन धर्म सनातनी है। ये थोड़े लोगों को कंफ्यूजन है, थोड़ों के दिल में ये कंफ्यूजन है। तो ये चीज मैं हमेशा जब भी हमारे मुसलमान, खास करके मुसलमान में जब आर्ग्यूमेंट में आते हैं तो मैं यही बोलता हूँ, तुम जो भी हो आज वो ठीक है लेकिन पहले तुम धर्म से तुम सनातनी ही हो। तो ये यहाँ कुछ अटकती है। एनीवे, ये जो सालों से आता हुआ है इसको बदलना होगा। जब ये बदलेगा तो शायद सब चीज ठीक हो जाएगा, लेकिन कब बदलेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, डॉक्टर साहब शायद कह सकते हैं। सो मेरे ख्याल में जिंदगी भर हमको सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि ओल्ड एज में आप यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, ये गलत है। मेरी उम्र में मैं आज भी सीख रहा हूँ। कुछ भी हो, जो भी है, हम सुबह उठकर वी कैन ऑलवेज थिंक दैट वी वांट टू लर्न समथिंग न्यू। और ये भी हमको सनातन धर्म ही कहता है, क्योंकि उसकी इट्स ऑलवेज लाइक फाइंड क्वेस्ट होगी आपको। यू शुड ट्राई टू लुक फॉर व्हाट यू डोंट नो। और दिस इज माय पार्टिंग एडवाइस कि हम इतने चीज रोज डेली प्रॉब्लम क्या है, आपको टाइम नहीं है, ऑलवेज यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, यानी हमेशा अपने पैरों पर रहो, स्टे फोकस्ड, फोकस पे रहो, जो भी करना है, जो भी काम कर रहे हैं फोकस से करो, और स्टे हंग्री, हंग्री यानी ज्ञान के लिए। जब तक हम इसकी जो भी चीज है आपको अगर कुछ आकर्षित करता है तो उसके बारे में थोड़ा और सीख सकते हैं क्यों ऐसा है। तो इससे क्या होता है ना, हमको वी गेट अ मच बेटर पर्सपेक्टिव अबाउट द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, नमस्कार।